यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखीमपुर में 4 झोपड़ियां आग में जलकर खाक हो गए। झोपड़ियों में रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। गांव वालों ने उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों का खुलासा हो नहीं पाया। सिंगाही थाना इलाके के फरदहिया गांव का ये मामला है। वहीं गांव में ही आग लगी और 4 झोपड़ियों में आग लगी। भीतर सामान था वो सब जलकर राख हो गए। ये तस्वीरें भयावह हैं। ये तस्वीरें दर्द भरी भी हैं क्योंकि जिनका ये आशियाना था, जो लोग इन झोपड़ियों में रहते थे, उनका सामान सब जलकर राख हो गया। और देखिए आप, पूरा का पूरा इलाका ये आग की आगोश में है, घिरा हुआ है आग की लपटों में। आग लगने के कारणों का खुलासा हो नहीं पाया। सिंगाही थाना इलाके के फरदहिया गांव का ये मामला है। वहीं गांव में ही आग लगी और 4 झोपड़ियों में आग लगी। भीतर सामान था वो सब जलकर राख हो गए। ये तस्वीरें भयावह हैं। ये तस्वीरें दर्द भरी भी हैं क्योंकि जिनका ये आशियाना था, जो लोग इन झोपड़ियों में रहते थे, उनका सामान सब जलकर राख हो गया। और देखिए आप, पूरा का पूरा इलाका ये आग की आगोश में है, घिरा हुआ है आग की लपटों में। आग लगने के कारणों का खुलासा हो नहीं पाया। सिंगाही थाना इलाके के फरदहिया गांव का ये मामला है। वहीं गांव में ही आग लगी और 4 झोपड़ियों में आग लगी। भीतर सामान था वो सब जलकर राख हो गए। ये तस्वीरें भयावह हैं। ये तस्वीरें दर्द भरी भी हैं क्योंकि जिनका ये आशियाना था, जो लोग इन झोपड़ियों में रहते थे, उनका सामान सब जलकर राख हो गया। और देखिए आप, पूरा का पूरा इलाका ये आग की आगोश में है, घिरा हुआ है आग की लपटों में। और क्या चल रहा है?